विद्वान स्त्री अन्य स्त्रियों को भी विद्या सिखाए, यह उपदेश इस मंत्र में किया है। इडेरंता इत्यस्य कुसुरविन्दु ऋषिः पत्नी देवता आर्षि पंक्तिश्छंदः पंचमः स्वरः। ओम इडेरंते हव्या काम्ये चंद्रे ज्योतिदिते सरस्वती महीविश्रुति एतातेग्ने नामानि देवेभ्यो मासु कृतं ब्रूतात्। जो स्त्री विद्वानों से श्रेष्ठ विद्या को ग्रहण करती है और उस विद्या में परिपक्व होती है, उसे चाहिए कि वह अन्य स्त्रियों को भी उपदेश करे और उन्हें भी योग्य बनाए। गुणवान स्त्री यदि अन्य साधारण स्त्रियों को धर्म की शिक्षा देती है तो वे भी धर्म का आचरण करती हुई अपने कर्तव्यों को करती हैं, जिससे गृहस्थ सुख निरंतर बढ़ता है और वे कभी अधर्म की ओर ना जाएं। ऐसी विद्या और प्रेरणा विद्वान स्त्री करती रहे। समाज में जो विद्वान स्त्री पुरुष हैं उनको चाहिए कि जितने बालकों को जितनी कन्याओं को शिक्षा दे सकें दिया करें, जिससे विद्या की वृद्धि होकर समाज में सुख बढ़े। अब सिंह जैसे पीछे लौटकर देखता है, इस प्रकार गृहस्थ कर्म के निमित्त राजपक्ष में कुछ उपदेश अगले मंत्र में किया है।